नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रमिक मंत्र न्यूज पर आज की अहम खबर और आपके साथ हूं मैं आलोक शर्मा। इंसानों की लाशों पर पाखंडी का सत्संग, जहां सैकड़ों लोगों की गई जान, चारों तरफ बिखरी लाशों की ढेर, क्या है सत्संग का ये असली खेल? जी हां, भोले बाबा का असली नाम नारायण साकार हरि है। वह उत्तर प्रदेश के एटा जिले का रहने वाला है। नारायण हरि और भोले बाबा आज से ठीक 26 साल पहले वह सरकारी नौकरी छोड़कर प्रवचन देना शुरू कर दिया था, लेकिन यह ढोंगी बाबा एक दिन लाशों पर अपनी सत्संग का अंत करेगा, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जानकारों की माने तो हादसा का कारण आयोजित सत्संग में जरूरत से ज्यादा की संख्या में भीड़ का होना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब प्रवचन समाप्त हो गई और लोग भोले बाबा के पैर छूने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए बाबा की ओर टूट पड़े और एक दूसरे को पैरों से रौंदते हुए भोले बाबा की मंच की तरफ जाने के लिए बेकाबू हो उठे। देखते ही देखते चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, लोगों की चीख पुकार शुरू हो गई। फिर क्या था, सत्संग अचानक मातम में बदल गई और घटना स्थल पर कुचलने व दम घुटने से करीब 160 से भी अधिक लोगों की जिंदगी दफन हो गई। इनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। वहीं अब इस पूरे प्रकरण में जिला प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आयोजकों ने सत्संग में जुटने वालों की जो संख्या बताई थी, उससे भी कई गुना अधिक संख्या में लोग सत्संग में पहुंचे थे, तो प्रशासन की तरफ से वहां की असीमित व्यवस्था की जानकारी पूर्व से क्यों नहीं ली गई? यदि सत्संग स्थल पर प्रशासन की मुस्तैदी पूर्व से हुई होती तो ये दिल दहलाने वाली घटना नहीं होती। लेकिन उससे भी हैरानी की बात तो यह है कि जब घटना स्थल पर लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे तो वहां पर भोले बाबा की ओर से तैनात निजी सुरक्षा कर्मियों ने उस बेकाबू भीड़ पर लाठियां भाजकर उसे काबू करने की कोशिश कर रहे थे। सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार इस पाखंडी भोले बाबा के कारना में विगत कोरोना काल में भी दिखे थे। जब भोले बाबा ने आयोजित अपने सत्संग के लिए प्रशासन से महज 50 लोगों की शामिल होने की अनुमति ली थी, लेकिन वहां भी हजारों की संख्या में भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की बात भी कही थी, परंतु भोले बाबा की रसूख के आगे प्रशासन भी बौने साबित हुई और कार्रवाई के नाम पर महज खाना पूर्ति ही की गई। पूर्व के दिनों नारायण साकार हरि और भोले बाबा के विरुद्ध प्रशासन ने कोई एक्शन लिया होता तो आज ये हाथरस में कोहराम नहीं होता। वहीं अब सत्संग आयोजकों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है, लेकिन भोले बाबा को आरोपी नहीं बनाया गया है, जिससे वहां के स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। कारण लोग ये चाहते हैं कि इस घटना में ढोंगी व पाखंडी भोले बाबा को भी मुख्य आरोपी बनाया जाए, जिससे कि भोले बाबा जैसे अन्य किसी पाखंडियों में एक अलग संदेश दिया जा सके। हाँ, इस खबर पर आपकी राय क्या है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हाँ, अंत में एक बात, यह खबर आपको कैसी लगी, आप अपने विचार हमें साझा जरूर करें। आप हमेशा देखते रहिए श्रमिक मंथ न्यूज और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।